right now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 का अनदर टॉपिक, दैट इज़ बैकग्राउंड रेडिएशंस। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे और हमारा चैनल ज़रूर देख रहे होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर बजाइए ताकि हमारी हर आने वाली डेली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं, आज के टॉपिक में डिटेल डिस्कशन होगी। इससे प्रीवियसली आपके जहनों में जितने भी इन रेडिएशन से मुतल्लिक सवालात हैं, उन सारे सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बच्चों, इंतज़ार करवाए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ बैकग्राउंड रेडिएशंस। चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर चैप्टर नंबर 18 की प्लेलिस्ट है, प्रीवियस लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। और पूरी किताब ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं 10th क्लास, 9th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं, देखिए आप जानते हैं कि आप समझा ये जाता है और ऐसा ही है कि बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई और कितने करोड़ों साल के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आप जानते हैं ये कूल डाउन हुई और फिर यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। यहाँ पहाड़, पत्थर, पानी, दरिया, जंगलात, दरख्त, ये सारी चीज़ें मौजूद थीं जिन्होंने यहाँ पर नशोनुमा पाई और बड़ी हुई। तो बच्चों, हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर बड़ी ख़तरनाक किस्म की रेडिएशंस थी जहाँ पे ज़िंदगी इम्पॉसिबल थी। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो रेडिएशन बहुत इंटेंस थी। आहिस्ता 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 उन रेडिएशंस की मकदार कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, लेकिन वो रेडिएशंस अब भी मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी सवियर नहीं हैं। कहाँ हैं, आइए जानते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं ये प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा था। हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द एक ख़ास जगह है, एक लिहाफ है, एक एरिया है जिसके अंदर गैसेस, सारी गैसेस मौजूद हैं, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर कहता है रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही मौजूद हैं ड्यू टू द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो कि किन की वजह से मौजूद हैं, डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जिनकी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की। अब भी बता देता हूँ, वो सब्सटेंसेस जो रेडिएशन खारिज करते हैं, जिनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेडिएशंस होती हैं, वो रेडिएशन खारिज कर रही हैं। जैसे एक लाइट लैंप है, बल्ब है, वो क्या खारिज कर रहा है, रोशनी खारिज कर रहा है, नज़र आ रही है। लेकिन कुछ सैंपल, कुछ सब्सटेंसेस रेडिएशन खारिज करते हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन रेडिएशन इफ़ेक्टिव होती हैं, मुख्तलिफ अजसाम पे, बॉडीज़ पे अपना असर छोड़ सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद हैं, ऐसे सब्सटेंसेस ढेरों मौजूद हैं जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस खारिज करते हैं। वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हमें असरअंदाज क्यों नहीं हो रही, हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही, क्योंकि हमारी बॉडी उनके यूज़ टू है। अल्लाह ताला ने वो हमारी बॉडी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं रखा, हमारी बॉडी इस एटमॉस्फेयर के यूज़ टू है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो हमें इफेक्ट नहीं करती, हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं और उन्हें हम कहते भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकली हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें रॉक्स, आप जानते हैं पत्थरों की लाइफ लाखों साल है, कितने लाखों साल पहले से ये पत्थर, ये पहाड़ मौजूद हैं। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि ये सन से कहते हैं जी अलहदा हुई थी ज़मीन, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस थी, इमेंस अमाउंट ऑफ रेडिएशंस थी, ताबकारी शुआएँ थी, रेडिएशंस थी। आहिस्ता 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 रेडिएशन की एयरपोर एटमॉस्फेयर से निकल दी गई। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पत्थर मौजूद हैं, रॉक्स मौजूद हैं, उनके पास रेडिएशंस हैं, एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी इतनी ख़तरनाक नहीं है जिससे हम इफेक्ट हो सकें। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसे शहर भी हैं, ऐसे ही दुनिया के और ममालिक के अंदर भी, जहाँ इन जो सब्सटेंसेस हैं यहाँ से रेडिएशन ख़तरनाक निकलती हैं, जो कि बॉडी के लिए बड़ी डेंजरस हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ कर सकती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में बाकी जितनी भी जगह हैं वहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं, पत्थर हैं, पानी है, मिट्टी है, ये एयर है, रोशनी है, लेकिन बादल हैं बारिश बरसाने वाले, लेकिन वो भी रेडिएशन छोड़ हैं, लेकिन वहाँ ख़तरनाक नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर रेडिएशन की मकदार कुछ एक्चुअल अमाउंट जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर
हो सकती है, डेंजरस हो सकती हैं। तो बच्चों इस पता चला कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी चीज़ें हैं, पत्थर हैं, पानी है, सॉयल है, जिनकी लाइफ आप जानते हैं हज़ारों साल लाखों साल है, तब से मौजूद हैं ये चीज़ें, तो इनके पास रेडिएशन जो पहले होती थी, एनर्जी जो पहले होती जो इनमें से निकलती थी, वो बहुत एक्सट्रीम थी, बहुत इंटेंस थी। लेकिन आहिस्ता 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 इनमें से निकलने वाली एनर्जी हमारी बॉडीज़ पर अब इतना असर नहीं करती। जब से इंसान मार्स से वजूद में आया है, तो इस दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ों में से, इस कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों में से, हमारी अर्थ के मुख्तलिफ जो लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, दरख्त हों, जानदार जानवर हों, इंसान हों, हम खुद रेडिएशन खारिज करते हैं। हमारे अंदर आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, हमारे अंदर आप जानते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो इतने डेंजरस नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये पता चला हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे जो सब्सटेंसेस हम भरे पड़े हैं, जो क्या खारिज करते हैं, रेडिएशंस खारिज करते हैं, जिन्हें बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। रॉक्स पत्थर खारिज कर रहे रेडिएशंस, जो हम पास खड़े हों तो हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि पत्थरों में से एनर्जी निकल रही है। कुछ जगह दुनिया की ऐसी होंगी जहाँ पर, जिसकी मैं मिसाल दी भारत की, वहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ रेडिएशन एक अमाउंट जो पूरी दुनिया में पाई जाती है उससे ज़्यादा एनर्जी खारिज करती हैं, जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सॉयल लाखों साल इसकी उम्र है, ज़मीन जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर चल फिर रहे हैं, इसमें भी से रेडिएशन खारिज होती हैं। वो कि कौन कौन सी रेडिएशन है उनका जिक्र अभी करता हूँ, उनमें कौन कौन सी रेडिएशन आती हैं, जो बैकग्राउंड रेडिएशन उनमें, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, नाम कौन कौन से हैं। सॉइल मिट्टी के पास में है लेकिन हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं है। वाटर पानी जो है समुद्रों का, दरियाओं का, ये भी आप जानते हैं हिस्सा इस दुनिया का, इसके पास भी रेडिएशन है, खारिज कर रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा हमारे पे इफेक्ट नहीं है, हम इसके यूज़ टू हैं। हवा, हमारी हवा के अंदर कितनी तरह की गैसेस हैं, कितनी तरह के पार्टिकल्स हैं, बहुत से, लेकिन वो रेडिएशन छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें वो हमारे लिए डेंजरस नहीं हैं। इसके अलावा बारिश, आप जानते हैं जब बारिश होती है, सॉरी रोशनी, सनलाइट, सूरज की रोशनी जब हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, तो सूरज की रोशनी सर्दियों में कितनी सूदिंग, कितनी अच्छी लगती है, सुकून देती है, गर्मियों में थोड़ी चुभती है, इंटेंसिटी शिद्दत उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन सनलाइट जो सूरज से हमारे पास पहुंचती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो भी क्या कंटेन करती है, बैकग्राउंड रेडिएशन, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जो डेंजरस हैं वो अल्लाह ताला ने पीछे ही स्टॉप कर दी ओजोन लेयर के ज़रिए, वो अपर एटमॉस्फेयर में ही रुक गई। ऐसे ही बच्चों जब बारिश होती है, बारिश के कतरों के साथ आपने एसिड रेन भी सुना होगा, वो खतरनाक जो होती है फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से, फैक्ट्रियों के फजले को सारे एसिड्स की वजह से, इस तरह से जो बारिश आम नॉर्मली होती है हमारे शहरों में, देहातों में आम सिंपल जो पानी बारिश की वजह से बरसता है, वो आल्सो क्या रखता है, बैकग्राउंड रेडिएशंस, लेकिन हमारी बॉडी उनकी यूज़ टू है, हम नहाते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, वही पानी जो दरियाओं में दरिया बन जाता है पीते भी हैं, तो ये डेंजरस नहीं है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं उनकी परसेंटेज क्या है, हमारी पूरी अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर रेडिएशंस की क्या क्या परसेंटेज है। 57% रॉक्स और सॉइल्स के पास बैकग्राउंड रेडिएशंस है, मतलब 57% जो रेडिएशंस हमारे पूरी अर्थ के अंदर, प्लैनेट के अंदर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, वो रॉक्स और जो सॉइल है मिट्टी, वो खारिज कर रही हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। फिर अगर हम बात करें 21% कॉस्मिक रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस खारिज हो रही हैं। 2% हमारे पास समझ लीजिए फॉल आउट, यानी कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो हम रिएक्शंस करते हैं दुनिया के ऊपर, या वैसे इनके अदर दैन टू टाइप्स 2% रेडिएशंस हैं। वैसे तो ये एटमी धमाकों के नतीजे में जो रेडिएशंस पैदा होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ख़तरनाक रेडिएशंस भी हो सकती हैं, 2% डेंजरस रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में है। कॉस्मिक भी डेंजरस हैं लेकिन उनकी बताएंगे कैटेगरीज कैसी हैं, कौन सी डेंजरस है, कौन सी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। और 20% रेडॉन गैस है जिसने हमारे एटमॉस्फेयर को कंस्टिट्यूट किया हुआ है, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर 57% बैकग्राउंड रेडिएशन, 21% कॉस्मिक रेज, 2% फॉल आउट, वो डेंजरस रेडिएशन जो कि खतरनाक हो सकती हैं, और 20% और वो भी दुनिया के उन खास जगहों पे हैं जहां इंसान कम ही जाता है, अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ा साइड पे रखा हुआ है, 20% रेडॉन गैस। ये है हमारे एटमॉस्फेयर की परसेंटेज वाइज, इसमें किस किस ने कितना घेरा हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर को, कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो बस बात कर लेते हैं कॉस्मिक रेडिएशन की। कॉस्मिक रेडिएशन कौन सी होती हैं, ये वो रेडिएशन हैं जो एटमॉस्फेयर के बाहर से आती हैं,
ये रेडिएशन थी बैकग्राउंड जो एटमॉस्फेयर के अंदर थी, पत्थरों से, पानी से, इसके अलावा मिट्टी से, हवा से, सूरज जो रोशनी अंदर दाखिल हुई थी उससे एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो गई, बारिश एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर जितने भी सब्सटेंसेस थे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जितनी भी बॉडीज थे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर, उनमें से जो रेडिएशन खारिज हो रही थी उन्हें बैकग्राउंड रेडिएशन कहते थे। और वो डेंजरस नहीं थी, वो हम उनकी बॉडी, हमारी बॉडी इनके यूज टू थी, हम उनकी डोज मुख्तलिफ ले सकते थे, रिसीव कर सकते थे और खुदा न खासा कैंसर या दूसरी बीमारियां होने के चांसेस नहीं थे ना हैं। लेकिन जो कॉस्मिक रेडिएशन है ये आती है अपर एटमॉस्फेयर से, मुख्तलिफ स्टार्स से, मुख्तलिफ प्लैनेट से, डेंजरस स्टार्स जो हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर बना के हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, गाड़ियां चला चला के ओजोन लेयर को, प्रोटेक्शन लेयर को ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डेंजरस रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन भी हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं ओजोन लेयर के होते हुए भी। जैसे कि आपके सामने है हमारे कॉस्मिक रेज कितने परसेंट है, 21% है, लेकिन बॉडी उनसे भी मुतासिर नहीं हो रही, वो भी इतनी डेंजरस नहीं है। डेंजरस कब होंगी, जब ओजोन लेयर मुतासिर होगी, तब जो दाखिल होने वाली रेडिएशंस हैं इंटेंस होंगी, वो हमारी बॉडीज़ में कैंसर खुदा न खास्ता कर सकती हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ लग सकती हैं। तो कॉस्मिक रेडिएशन कौन सी हैं, जो अपर एटमॉस्फेयर से आती हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर से। तो डेफिनेशन देखिए, द अर्थ एंड ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्राम आउटर स्पेस, स्पेस से बाहर से, स्पेस से बाहर यानी मुख्तलिफ स्टार से, जिनमें से एक स्टार सन भी है, इस तरह की और गैलेक्सीज हैं, दूसरे स्टार्स हैं, सन्स हैं, उनसे जो रेडिएशन आती हैं ज़मीन की तरफ, हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ, और इसमें दाखिल हो जाती हैं। कहाँ से दाखिल, हमारी स्पेस से होती हुई, वैक्यूम से होती हुई एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं, और दाखिल होती हैं तो ऐसी रेडिएशन को कहा जाता है कॉस्मिक रेडिएशन, जो एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर पहले मौजूद थी, अल्लाह ताला ने हमारी इस एटमॉस्फेयर का जिन्हें हिस्सा बनाया था, हमारी बॉडी को यूज टू, वो है बैकग्राउंड, और जो बाहर से आएंगी वो ऑफकोर्स डेंजरस होंगी। द रेडिएशन इज कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन विच प्रीमेरली, जो क्या है बुनियादी तौर पर क्या होती हैं, किन पर मुश्तमिल होती हैं, प्रोटॉन्स हैं। आइए इनको लैदा लैदा भी देखते हैं, प्रोटॉन्स हैं जो कॉस्मिक रेडिएशन प्रोटॉन से मिलकर बनती हैं, आयंस हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, लार्ज न्यूक्लियाई हैं। फिर से सुन ले, जो बाहर से, आउटर स्पेस से, स्पेस के बाहर से रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में, ज़मीन के इस एरिया में दाखिल होती हैं, रीजन में दाखिल होती हैं, वो बेसिकली क्या हैं, वो प्रोटॉन्स हैं। और रेडिएशंस क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, आयंस हैं, हाँ, आयन पॉजिटिव, आयन नेगेटिव, आयन एनर्जेटिक, ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, एनर्जेटिक रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स की शक्ल में आ रही हैं, फिर लार्ज न्यूक्लियाई की शक्ल में, इतने बड़े लार्ज नहीं, मतलब आम एटम्स की निस्बत लार्ज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही हैं और क्या करेंगी, आइए देखते हैं, इनको कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। ये मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई, स्टार सन है हमारे करीब करीब, उससे आ रही हैं अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, लार्ज न्यूक्लियाई, आयंस, जो कि यहाँ दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, अब जब ये दाखिल होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, देख ली प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, आयंस जो हैं, क्या होता है जब किसी एटम के आउटर शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए, तो हम जानते हैं आयन बन जाता है। आयंस आपके सामने आयंस की शक्ल में आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल ऐसे ही है जैसे हीलियम का न्यूक्लियस हो, ये मैंने डिटेल से बताया भी हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक नंबर 4 है। हीलियम के पास भी एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, और अल्फा पार्टिकल के पास भी एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस जैसे हैं, जैसे हीलियम के न्यूक्लियस से निकले हों, न्यूक्लियाई से निकले हों। तो ये है जी हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स। इसी तरह से लार्ज न्यूक्लियाई हैं बड़े बड़े, यूरेनियम, रेडियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये बड़े बड़े न्यूक्लियाई की शक्ल में भी हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही है। अब जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं तो बारिश की तरह, ऐसी बारिश जो नज़र नहीं आ रही, ऐसी लाइट जो नज़र नहीं आ रही, इस तरह से दाखिल हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या है, डस्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या है, गैसेस हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये क्या करेंगी कॉस्मिक रेडिएशन दाखिल होते हुए इन डस्ट पार्टिकल के साथ, इन बड़े बड़े एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, गैसेस के साथ रास्ते में टकराएंगी। जब उनसे टकराएंगी, ये देखिए, ये हवा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, जब कॉस्मिक रेडिएशन इनसे टकराएंगी तो क्या करेंगी,
टूटेंगी, स्प्लिट होंगी, ब्रेक होंगी, और ब्रेक होने पे क्या क्या बनेंगे, एक्स रेज बनेंगी, म्यूऑन्स बनेगी। ये आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, म्यूऑन्स, बोसॉन, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, आगे चल के सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे, एक्स रेज, म्यूऑन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो बाहर से कॉस्मिक रेडिएशन आई है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसेस से टकराने पर आगे स्प्लिट, तकसीम होके इन शक्लों में तकसीम हो जाएंगे, और ये जो बनेंगे इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी रेडिएशंस। सेकेंडरी रेडिएशन समझ लीजिए, जैसे ये प्राइमरी हैं और ये सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी रेडिएशंस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, और अगर इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो तो ये हमारी बॉडी को इफेक्ट भी कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मली अल्लाह ताला ने हमारे माहौल के अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन इतने डेंजरस नहीं रखी। आपके सामने हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 21% कॉस्मिक रेडिएशन आई हुई हैं, मौजूद हैं, किस किस शक्ल में, अल्फा की शक्ल में, बीटा की शक्ल में, या प्रोटॉन्स की शक्ल में, लार्ज न्यूक्लियाई आयंस, एक्स रेज, आपके सामने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन हमारी बॉडी नॉर्मली इनसे इफेक्ट नहीं हो रही। लेकिन किसी जगहों पे इनकी अगर अमाउंट ज़्यादा हुई हमारी बॉडी के ऑब्जर्व करने से, हमारी बॉडी के सहने से ज़्यादा हुई, तो ऑफ कोर्स ये डेंजरस है, जो जिल्द के कैंसर, दूसरे कैंसर, ट्यूमर्स पैदा कर सकती हैं और इंसान की डेथ हो सकती है। तो इनकी अमाउंट, सेफ अमाउंट इस्तेमाल करनी चाहिए, सेफेस्ट अमाउंट आगे चल के हम पढ़ेंगे कितनी है, रेडिएशन ही वैल्यू एक्चुअली होनी चाहिए जो हम हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, उससे ज़्यादा हुई तो क्या होगा, ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आगे चल के। तो ये है जी कॉन्सेप्ट आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशंस का, जो कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी दीवारों से, पत्थरों से, ज़मीन से, सॉइल से जो रेडिएशन निकल रही हैं और हमारी बॉडी को क्या कर रही, नुकसान नहीं दे रही। क्यों निकल रही हैं इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके पास, उन बॉडीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा है, और कौन एक्सेप्ट करेगा उनको, ऑफकोर्स मेरे पास एनर्जी कम है तो मैं इन पत्थरों से निकलने वाली एनर्जी, पानी से निकलने वाली एनर्जी, रोशनी से आने वाली एनर्जी, हवा से आने वाली एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा होगी तो मैं इनको दे दूंगा, उनके पास ज़्यादा होगी तो मुझे, एनर्जी इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है, लेकिन ये इतनी सवियर नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचा सके। बैकग्राउंड रेडिएशन, जिनमें यही रेडिएशन हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं, और इसके अंदर मैंने देख लिया कि कॉस्मिक रेडिएशन क्या हैं, जो आउटर स्पेस, आउटर एनवायरनमेंट, स्पेस से बाहर से आती हैं, और वो डेंजरस हो सकती हैं अगर इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाए, और कम मुमकिन है अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कर दी, नुकसान पहुंचा दिया, तो वहां से एक्सट्रीमिस्ट बड़ी इंटेंसिटी की रेडिएशन भी दाखिल हो सकती हैं जो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स, कैंसर काज कर सकती हैं। आज का टॉपिक इतना ही था, कल के टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन होगी न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की, किस तरह से न्यूक्लियस पेरेंट से डॉटर में चेंज होता है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।